आ जाओ समझ, एक बार ट्राई करना चाहोगे क्या तुम लोग? दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग आर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग. चलो चूंकि हम लोगों ने बातचीत में वैसे ही बहुत समय ले लिया है, तो और मैं आपका समय गेस करने में आपका बर्बाद नहीं करवाऊंगा. काम के बाद सीधे शुरू. वी कैंट कंट्रोल पावर डैश नेचर. वी कैंट deprive him of his right dash education. ये दो questions हैं. मैं एक बार चाहता हूं आप इनमें blank fill करें. ये तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो मैं आपको टाइम भी दूंगा और इंतजार भी करूंगा. इन दोनों ब्लैंक्स को सभी लोग फिल करें. चलो ये दो क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल द पावर डैश नेचर, वी कैन नॉट डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट डैश एजुकेशन. रिकॉर्डेड वीडियो डिजिटल बोर्ड पे होगा या व्हाइट बोर्ड पे? डिजिटल पे होगा बेटा. असल में वो जो रिकॉर्डेड पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चंस पहले से पीडीएफ में सेव होंगे ना, तो वो डिजिटल बोर्ड पे ही हो पाता है. ऐसा बोर्ड यही सही है. मेरे पास व्हाइट बोर्ड भी है, ये जितना बड़ा मेरा डिजिटल बोर्ड है, 86 इंचेस का है, लेकिन व्हाइट बोर्ड इससे भी बड़ा है, लेकिन ठीक है, ये भी बढ़िया है. चल सबने गेस किया, अब देखना. We cannot control the power of nature. We cannot deprive him of his right to education. अब आपको समझना ये है कि अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो लगभग मीनिंग सेम सा आएगा. ठीक है, प्रकृति की शक्ति. प्रकृति की शक्ति. वी कैन नॉट डिप्राइव देम ऑफ हिज राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार. हिंदी थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो गया, जगह कम है. ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिख रहे हैं द पावर ऑफ नेचर, इसका मतलब है प्रकृति की शक्ति. ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं वी कैन नॉट डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज राइट टू एजुकेशन, तो इसका मतलब हो गया हिज राइट टू एजुकेशन का मतलब उसका शिक्षा का अधिकार. तो अब हम यहां पर एक बात समझना चाह रहे हैं, मतलब ये बात मैं चाहता हूं आप लोगों के दिमाग में आए. ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग ऐसे सोचते नहीं हो, इस तरीके से देखते नहीं हो, क्योंकि ठीक है जो भी वजह है, मैं चाहता हूं कि देखो, मैं चाहता हूँ ये सोचो तुम लोग, ऐसा जो मैं तुम्हें सोचने के लिए कह रहा हूँ वो तुम पहले से सोच के रखो, तो देखो कितना अच्छा लगेगा सीखने में. अभी तुम्हें लगेगा मैं जबरदस्ती तुम्हें सिखा रहा हूँ, लेकिन जब वो तुम चीज़ अपने आप सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं सिखा रहा हूँ, वो तुम्हारी जरूरत है इसलिए सिखा रहा हूँ. जब ये चीज़ें बच्चे अपने आप नहीं देख पाते ना, तो उनको लगता है अंकुल से जानबूझ के टेढ़ा पढ़ाते हैं, उनको लगता है अंकुल से जानबूझ के मतलब कन्फ्यूजिंग चीज़ पढ़ाते हैं. मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि तुम्हें वो पढ़ना चाहिए. अब देखो, डीड के साथ सेकेंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो मैं नहीं पढ़ाता. ये अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं हो गया टीचर, तुम हो चुके स्टूडेंट. ठीक है, ये तो बदतमीजी वाली बात है. हैव के साथ हैज आएगी, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, बदतमीजी वाली चीज़ें. ठीक है, कॉम्पिटिशन के बच्चे, उनको उनके लेवल का पढ़ाना चाहिए. क्या पढ़ाना है कि राम के साथ गोज आता है कि गो आता है कि गोइंग आता है? अरे भाई, बेवकूफ़ी वाली क्या बात है, तो बच्चा किताब पढ़ेगा अपने आप सीख जाएगा. ठीक है, तो बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि मैं टेढ़ा पढ़ाता हूँ, मैं मुश्किल पढ़ाता हूँ. मैं वो पढ़ाता हूँ जिसके लिए पढ़ा जाता है, मैं वो नहीं पढ़ाता जो अपने आप किताबों से पढ़ लेना चाहिए बच्चों को. अपने आप पढ़ो जाके ना किताबों से, डिड के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैं थोड़ी सिखाऊंगा, अपने आप सीखो जाके.
उसके लिए कोई टीचर गाइड की जरूरत पड़ती है, उसके लिए यूट्यूब वीडियो देखना पड़ता है, पुलिस का तेज आएगा एम आएगा आ रहेगा, ये तुम मुझसे सीखोगे, किताब पढ़ो जाके अपने आप सीख जाओगे, टाइम भी बचेगा। तो ये जो मैं तुमसे सोचने के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम ये अपने आप सोचने लग जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन चूंकि ये चीज़ें तुम अपने आप सोचते नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में आती नहीं है, तुम्हें कोई रूल बता देता है, कोई फिक्स प्रेपोजिशन बता देता है, कोई शॉर्टकट बता देता है, कोई निमोनिक बता देता है, कोई एक्सेप्शन बता देता है, तुम सोचते ही नहीं। ठीक है, अब तुम सोचते नहीं हो, मेरे जैसा कोई टीचर जब सोच के पढ़ाने वाला तुम्हें मिलता है तब तुम्हें लगता है तो ज़बरदस्ती बात को टेढ़ा करके घुमा फिरा के बता रहे हैं। लेकिन अगर ये बात तुम अपने आप सोचोगे, मैं बस तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ, ये जो हमारा नया बैच है एसएक 1 के, ये बैच तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करेगा। यही मेरा काम है एज ए टीचर, मेरा बस इतने अचीवमेंट है कि मेरे बच्चे सोचने लग जाएं, मैं बस इतना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर हम देखें तो जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इन दोनों फ्रेजेस में ऑलमोस्ट जो प्रेपोजिशन का मीनिंग है वो एक ही सा आएगा। अच्छा, हम सबको पता होता है, हमने कभी ना कभी पढ़ा भी होता है, बुक्स में लिखा होता है ना, का के की के संदर्भ में ऑफ का प्रयोग करें, नहीं लिखा होता फिक्स प्रेपोजिशन वगैरह में, ये सब गड़बड़ है। अब देखो मीनिंग तो सेम सा ही है ना, फिर हमने यहाँ पे ऑफ यहाँ पे टू क्यों लिखा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है बच्चों और टू प्रेपोजिशन है, क्योंकि इन्हीं दोनों प्रेपोजिशन का कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों को समझ लेते हैं। बाकी अलग अलग क्वेश्चंस में बहुत 1000 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, सब कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखिए होता क्या है, ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है इसका एक तो यूज हम करते हैं बिलोंगिंग का रिलेशन बताने के लिए, दूसरा हम इसका यूज करते हैं पार्ट और टोटल का रिलेशन बताने के लिए, तीसरा इसका हम यूज सोर्स के सेंस में भी कर लेते हैं, मतलब एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर फ्रॉम। पुरानी इंग्लिश में ऑफ का यूज होता था, मॉडर्न इंग्लिश में फ्रॉम वर्ड यूज होता है उसकी जगह। ओल्ड इंग्लिश में जो ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये फ्रॉम के मीनिंग में यूज होती है, जो फ्रॉम आज मीनिंग कन्वे करता है, यही मीनिंग पहले ऑफ कन्वे करता था। ठीक है, तो ये ऑफ के यूजेस हो गए। टू का यूज हम बेसिकली कब करते हैं, टू का यूज हम डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, रेसिपिएंट के लिए करते हैं, जिसने किसी चीज को रिसीव किया हो, और कुछ कॉन्टेक्स्ट में टुवर्ड्स या डायरेक्शन के सेंस में भी करते हैं। मान लो हमारा कोई गोल है, हमारा कोई अचीवमेंट है जो हम पाना चाहते हैं, ठीक है, हासिल करना चाहते हैं, तो उसको रेफर करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ये बात हमें समझनी है, ज्यादातर बच्चों को ये बातें पता होती होंगी, लेकिन फिर भी एक बार अपना समझ लो। अब यहां पर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो लास्ट वाला डिफरेंस है ऑफ और टू का, ये यहां पे काम कर रहा है। देखो होता क्या है, नेचर से आपको पावर मिलती है, ऐसे ही होता है, राइट से आपको एजुकेशन मिलती है। क्या ये समझना मुश्किल है, क्या कोई हमारा बच्चा कितना भी देहात क्षेत्र का हो, मैं देखता हूँ कई बार बच्चे व्हाट्सएप वगैरह पे, जैसे कोई उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया, भाई इतना आसान क्वेश्चन का आंसर भी तुझे नहीं पता, तो बच्चा कई बार कह देता है कि सर जी हम गांव से हैं, कह देता है सर जी हम बिहार से हैं। भाई मैं गाँव से, मैं हिंदी मीडियम पढ़ा, गाँव में पढ़ा, ठीक है, तो ऐसा क्यों मान लेते हो कि गांव के लोग काबिल नहीं होते, समझदार नहीं होते, उनमें बुद्धि नहीं होती। ठीक है, अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई जाती है, माहौल नहीं अभी ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि बेवकूफ़ होते हैं, गांव के होने का मतलब ये थोड़ी कि बेवकूफ़ होंगे, गांव के होने का मतलब ये कि भाई चलो समझ हमें भी है, सेंस हमें भी है, ठीक है, लेकिन जब समझ सेंस और लॉजिक से कोई हमें पढ़ाएगा तो हम समझ लेंगे, लोग पढ़ाते नहीं, हम पढ़ते नहीं, इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या कोई, मैं तो खुद गाँव से हूँ भाई, मैं हमेशा कहता हूँ मैं गाँव से हूँ, ठेठ गाँव से हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या ये बात, ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ना समझ में आए, नेचर जो है पावर उससे आती है, नेचर सोर्स है जिससे हमें पावर मिलती है। ठीक है, राइट जो है वो सोर्स नहीं है, राइट से एजुकेशन मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे राइट से हम जाते हैं डायरेक्शन की तरफ, यहाँ पर हम पावर से नेचर की तरफ नहीं जाते, नेचर से पावर की तरफ आते हैं। तो वी गेट पावर फ्रॉम द नेचर,
वी गेट एजुकेशन फ्रॉम राइट, तो यहां पे डायरेक्शन ये है, यहां पे डायरेक्शन ये, ठीक है, सबको समझ में आ गया, हर एक बच्चों के बाद क्लियर हो गया कि हाँ भाई यहाँ पे डायरेक्ट ये जो दोनों नाउन्स हमने प्रेपोजिशन से रिलेट किए हैं। अभी प्रेपोजिशन क्या करती है, प्रेपोजिशन वर्ड्स को रिलेट करती हैं, प्रेपोजिशन वर्ड्स को रिलेट करती हैं। तो सबको पता होगा डेफिनेशन तो सबने रट मारी होगी, थ्योरी में तो हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, थ्योरी तो इन्हें सारी पता होती है। तो सबको पता होगा प्रेपोजिशन जो होती हैं उनका काम होता है सेंटेंस के दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में रिलेट करना। ये प्रेपोजिशन इन दोनों को, ये प्रेपोजिशन दोनों को रिलेट कर रही है। अब आप रिलेशन तो देखो एक बार, रिलेशन देखते नहीं हो, डेफिनेशन याद कर रखी है लेकिन रिलेशन नहीं देखते। यहाँ पे रिलेशन ये है, यहाँ पे रिलेशन ये है। तो इस रिलेशन में हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं सोर्स के लिए, फ्रॉम वाले कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। ये ऑफ का एक यूज है, ज़्यादा कॉमन यूज तो ऑफ के ये हैं, लेकिन ये वाला भी यूज है इस तरीके की सिचुएशन में, ऑफ का यहीं पर यही यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो राइट से हमें एजुकेशन मिलती है, कोई भी चीज ऐसी है जो हमें किसी चीज को प्राप्त करने में मदद करे, तो जिससे हम किसी चीज को पाते हैं, तो जो हमारा गोल होता है, जो हम अचीव करते हैं, वो गोल, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, उनकी प्रेपोजिशन टू होती है। तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखते हैं टू, तो हमने क्या लिखा टू। अब एक चीज और देखो सभी लोग, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, सेंटेंस नहीं है केवल फ्रेज लिखूंगा, एक मैंने फ्रेज लिखी बच्चों, माई राइट डैश वोट, माई राइट डैश वोट, ठीक है, माई राइट डैश वोट। आप इसराइल के साथ हो, फिलिस्तीन भाई मार खाएगा क्या है? एक मिसाइल तेरे ऊपर फेंकू अभी, पढ़ ले तो मैं ना अकल जैसे घुटनों में थरक गई है। मैं यहाँ पे इसराइल फिलिस्तीन कर रहा हूँ, घोचू कहीं के, दो हफ्ते बाद यूट्यूब पे लाइव आया हूँ, देखो नमूनों ने अपनी तरफ से, मैं इसीलिए यूट्यूब वालों से पका रहता हूँ, मैं भाई अगली बार में ब्लॉक कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। पढ़ाई की बात केवल मेरे से इंग्लिश की, मैं तुम्हारे लिए टीचर हूँ, तुम मेरे लिए स्टूडेंट हो। अगर इस बात को समझते हो और मानते हो तो फिर टिको लाइव सेशन में। इसके अलावा कुछ भी और अगर तुम मुझे देखते हो, किसी भी दूसरे एंगल से देखते हो, ठीक है, तो तुरंत गोली हो जाओ। तुम सीख चुके इंग्लिश, तुम्हारे कर्म लक्षण नहीं है इंग्लिश सीखने वाले, और मैं जब तुम सीख ही चुके फिर मैं सिखाऊंगा क्या? तो ये बदतमीजी मत करो, लर्नर बनो, इंसान बनो, एक दूसरे को इंसान की नज़र से देखो, ठीक है। अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा चीज़ें अगर जोड़ना घटाना चाहते हो तो फिर यहाँ नहीं चलेगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा। बदतमीजों के वो बदतमीज मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। समझदार सेंसिबल लोग जिनको ये पता होता है कौन सी बात कहाँ कब किससे कैसे कहनी है, वो अच्छा लगता है। ये यहाँ पे जो तुम विषय रख रहे हो वो चल रहा है, आ जाओ बाकी लोग पढ़ो। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा शिक्षा का अधिकार, प्रकृति की शक्ति, तो ट्रांसलेशन करते हैं तो सेम मीनिंग से आ जाता है, लेकिन हमें ट्रांसलेशन के झंझट में नहीं पड़ना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अब जब आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो ये चीजें अपने आप समझने लग जाओगे, नहीं तो मैंने तो बैच ही बना दिया समझाने के लिए, मैं तो सिखाई दूंगा, ठीक है। तो ऑफ टू आ गया। अब जैसे हमने लिखा माई राइट डैश वोट, अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, माई राइट डैश वोट यहां पर क्या आएगा? टू आएगा, सबको पता है टू आएगा। अब तुम एक बात मुझे बता सकते हो क्या, ये जो वोट हमने लिखा ये नाउन है वर्ब है? ये बता दो, यहां देखना, ये जो टू के बाद हमने एजुकेशन लिखा ये नाउन है वर्ब नहीं है? यहाँ पे ऑफ का नेचर लिखा वो भी नाउन है। ये जो टू के बाद हमने वोट लिखा है ये नाउन है या वर्ब है, ये कौन बता सकता है? राइट टू वोट आएगा, मैं समझ गया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं बच्चों, ये जो हमने माई राइट टू वोट लिखा है, इसमें जो टू लिखा है उसके बाद जो वोट वर्ड हमने लिखा वो वोट नाउन है वर्ब है? आप फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि एजुकेशन नाउन होता है, एजुकेशन वर्ब नहीं है, नेचर नाउन है वर्ब नहीं है, ठीक है। लेकिन वोट नाउन और वर्ब दोनों ही होता है, वोट वर्ड नाउन भी होता है और वोट वर्ड वर्ब भी होता है। तो अब कोई सोचे कि ये जो टू के बाद हमने वोट लिखा है इसको हम क्या माने, नाउन माने या वर्ब माने? तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको कुछ भी मानिए,
अगर आप इसको नाउन मानोगे तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है टू वोट। अगर आप इसको वर्ब मानोगे तो ये एक इन्फिनिटिव है टू वोट। तो इसको वर्ब मान लेते हैं, हालांकि नाउन वर्ब मानो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो टू आपको लिखना ही लिखना है, चाहे आप टू को वोट मानो, चाहे मतलब वोट को चाहे नाउन मानो चाहे वर्ब मानो। अगर हम नाउन को यहाँ पे वर्ब माने तो जो टू वोट है ये क्या है, इन्फिनिटिव है। ये क्या है बच्चों, इन्फिनिटिव है। अब मैं जो आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो भी ये काम करते हैं। जैसे जो टू प्रेपोजिशन होती है इसका यूज हम उन चीजों को रेफर करने के लिए जो हम प्राप्त करते हैं किसी एक चीज की मदद से, जैसे राइट हमें अधिकार मिला होता है तो अधिकार से फिर हम एजुकेशन पाते हैं। तो एजुकेशन एक गोल है जो हम पाते हैं जिसके लिए अधिकार हमें मिले होते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन से अधिकार नहीं मिलते, अधिकार से एजुकेशन मिलती है, ऐसा मसला है। तो हमने टू यूज कर दिया। अब यहाँ पे चाहे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखें चाहे इन्फिनिटिव लिखें तो वो इन्फिनिटिव भी वही काम करता है, ठीक है। अब ये बातें समझ में आ गई हो जब आपको कि इन्फिनिटिव है, टू प्रेपोजिशन है, इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किन्हीं ऐसे दो नाउन्स को रिलेट करना हो जिनमें से एक नाउन मतलब टूल हो, मीडियम हो, दूसरा नाउन गोल हो, गोल को अचीव करने के लिए। अब यहाँ आ जाओ, जल्दी बताना, एबिलिटी से थिंकिंग या थिंकिंग से एबिलिटी क्या होता है, बताओ क्या सिचुएशन सही है, एबिलिटी से थिंकिंग या थिंकिंग से एबिलिटी। जैसे यहाँ पे हमने बताया पावर से नेचर नहीं है, नेचर से पावर है, राइट से एजुकेशन है, एजुकेशन से राइट नहीं है, ठीक है। ये सीक्वेंस समझ में आया, ऐसे आ रहे हो तो ऑफ, ऐसे जा रहे हो तो टू। अब वहां बताओ क्या होता है, एबिलिटी से थिंक मतलब थिंकिंग या थिंकिंग से एबिलिटी। देखो सोचना पड़ेगा, फायदा सीखने का तभी है जब अपना दिमाग चले। गुरुजी ही क्वेश्चन बताएं, गुरुजी ही आंसर बताएं, गुरुजी ही रीजन बताएं तो हम नहीं सीख पाएंगे, हमें अपना दिमाग भी धीरे धीरे चलाना चाहिए। इसीलिए जब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं तो उसके लिए 5 क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। वजह क्या होती है, एक क्वेश्चन तो मैंने ही लिखा है उसका तो आंसर मैं ही बताऊंगा, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं इसलिए लिखता हूं कि तुम भी अपना दिमाग यूज करो। मैं आंसर नहीं पूछ रहा बेवकूफों, मैं पूछ रहा हूं कि थिंकिंग से एबिलिटी या एबिलिटी से थिंकिंग, ये बताओ मुझे। एबिलिटी से थिंकिंग, क्योंकि जब हमें एबिलिटी होती तो हम सोच लेते हैं, जब हमें एबिलिटी होती तो हम काम कर लेते हैं, एबिलिटी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वैसे मान लो कि अगर हमें एबिलिटी है, ठीक है, तो हम जिस काम को करने की एबिलिटी है वो काम कर लेंगे, ऐसे होता है ना, एबिलिटी से थिंकिंग होती है। तो हमें पता है कि एबिलिटी और थिंकिंग में ये वाला रिलेशन है, ये वाला नहीं है। अगर ये वाला रिलेशन नहीं है तो आप गलत हो गए। अच्छा टू लिखोगे तो ये चूंकि एजुकेशन तो नाउन ही होता है, वो हमेशा नाउन रहता है, ठीक है, इसको आप इन्फिनिटिव बना दो, तो क्या करो इन्फिनिटिव बना दो। थिंक वर्ब है ना, आईएनजी फॉर्म में लिखी हुई है। अब ऑफ प्रीपोजिशन के साथ लिखा था तो हमने उसको आईएनजी फॉर्म में लिख रखा था, लेकिन जब आप उसको टू के साथ लिखोगे तो फिर आईएनजी फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, इन्फिनिटिव बना दो, इन्फिनिटिव डायरेक्शन को रेफर करता है, तो फिर सीधे इन्फिनिटिव बन जाएगा, आंसर हो जाएगा दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर एबिलिटी टू थिंक। अब जैसे हमने ये जो लिखा था राइट टू वोट, बिल्कुल आप वही मान लो, ये वही है, राइट टू वोट है और कुछ नहीं। टू वोट जो है ना ये भी इन्फिनिटिव है, राइट से हमें वोट मिलता है, तब अधिकार होता तो हम वोट डाल पाते हैं, तो वैसे एबिलिटी होगी हम सोच पाएंगे, नहीं एबिलिटी होने ये आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलो अगले पे आ जाओ।